अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आपको टॉपिक का पता ही है, मैं पेशेंस के बारे में बात कर रही हूँ। अपनी पिछली वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि सब्र क्या है, इसके क्या मीनिंग्स हैं और कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे ऊपर होते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो ये है कि हम सब्र को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें सब्र से दूर लेके जा रही हैं, यानी कि हमें बेसब्री की तरफ लेके जा रही हैं। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी लाइफ में ऐड हैं और हमें पॉजिटिविटी से दूर कर रहे हैं। पहले हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको चेंज करना है। उसके बाद अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको चेंज करें। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसको वहीं पर स्टॉप करें और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचें, क्योंकि अल्लाह पाक हमेशा अपने खास बंदों को आजमाइश के लिए चुनता है। और जब आप उस आजमाइश में कामयाब हो जाते हो तो हर सांस आपकी शुक्र अदा करने लगती है, क्योंकि अल्लाह पाक आपको बहुत नवाजता है। इसलिए अगर इस सोच को अपनी लाइफ में ऐड कर लें कि अल्लाह पाक बिल्कुल आजमाइश का फल देता है, सब्र का फल देता है, तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। और इसके बाद जो अपनी लाइफ है उसमें स्मॉल गोल्स सेट करें, क्योंकि बड़े गोल्स को अचीव करने में टाइम लगता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही हम बड़े गोल्स की तरफ जाएंगे। स्टार्ट हमेशा बेबी स्टेप से करें। लाइक अगर बच्चा पैदा होता है वो हमेशा अपने छोटे छोटे कदम लेता है, छोटे छोटे कदम से चलता है, वो गिरता है, संभलता है, उठता है, लेकिन वो चलना नहीं छोड़ता। इस क्योंकि उसका जो गोल होता है वो स्मॉल से बिग की तरफ होता है। अगर हम बेबी स्टेप लेकर स्मॉल गोल्स को अचीव कर लें तो हम कल को अपने पाँव पर खड़े होकर बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए कभी भी लिफ्ट का सहारा लेकर ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाएं। अपने इर्द गिर्द के लोगों पर तवज्जो दें कि वो किस टाइप के लोग हैं, कहीं वो आपके अंदर नेगेटिव मादा जो हो है उसको तो नहीं इंक्रीज कर रहे या इम्प्रेशंस का फैक्टर तो नहीं इंक्रीज कर रहे। हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों को समझें, उनको देखें, उन पर तवज्जो दें कि क्या वो लोग आपके लिए फायदेमंद हैं या क्या वो लोग आपके लिए बेहतर हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आप ऐड करें या अपनी लाइफ से कट आउट कर दें, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव लोगों को ही अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। नेगेटिव लोग खुद तो कुछ कर नहीं पाते और दूसरों को भी करने नहीं देते। हमेशा पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करें। डोंट रश, मतलब कि किसी भी काम में जल्दी मत करें। काम में उसके वक्त पर होना होता है, उसको उसके वक्त पर होने दें। कभी भी किसी भी चीज को लेकर जल्दी मत करें, क्योंकि हमेशा जब हम जल्दी करते हैं तो हमें मुंह के बल पीना पड़ता है। जैसे कि आप सब लोग जानते भी होंगे कि जल्दी का काम शैतान का होता है और उसमें कामयाबी भी हासिल नहीं होती, इसलिए उसके वक्त पर उसको होने दें। अपनी हैबिट्स को चेंज करें, ऐसी हैबिट्स जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाए, इंपेशेंस की तरफ लेके जाए, आपको अपने गोल से दूर करे, आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन है, ग्रेटिट्यूड वाला फैक्टर है, उसको कम करें। तो इन आदत को कम करें, लाइक कि कोई भी ऐसी आदत जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है, नेगेटिव सोच की तरफ लेके जा रही है या नेगेटिव बिहेवियर की तरफ लेके जा रही है, उसको कट डाउन करें। अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखें, क्योंकि जब हमारी उम्मीदें कम होंगी तो हमें ज्यादा मिलता है, और जब हमारी उम्मीदें ज्यादा होती हैं तब हम ज्यादा की तरफ भागते हैं और इस भागदौड़ में हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं या कहीं गिर जाते हैं या दब जाते हैं। इसलिए उम्मीदों को कम लगाएं, दूसरों लोगों से भी, अपने रब से भी और खुद से भी। हमेशा अपनी उम्मीदों को कम रखें, लेकिन जितनी उम्मीदें लगाएं उस पर यकीन हो। अपने गोल्स और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें डिफरेंस को देखें। गोल और एक्सपेक्टेशंस में बहुत फर्क होता है। गोल्स हमारे वो काम होते हैं जिनको हमें अचीव करना होता है। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं हम दूसरों से लगाते हैं। गोल हमें खुद अचीव करना होता है, एक्सपेक्टेशंस हमारी दूसरों से होती हैं कि दूसरा हमारे लिए ये काम करे, इसलिए वो जितनी कम होंगी वो उतना ही। नेक्स्ट, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में हमेशा बेहतर होगा,
या हमारी लाइफ में हमेशा अच्छा होगा या हमारी लाइफ में पॉजिटिव होगा। हमें अपना माइंड सेट इस तरह से करना चाहिए कि जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है, जहाँ आज पॉजिटिव हो रहा है वहाँ कल नेगेटिव भी हो सकते हैं, जहाँ आज खुशियां हैं तो वहाँ गम भी हो सकते हैं। इसलिए सब्र को अपनी लाइफ में जब ऐड कर लेंगे तो कोई भी लम्हा होगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप सीख चुके होते हैं कि लाइफ में कैसे रहना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे चीजों को कवर करना है। इसको भी अपने जहन में बिठा लें कि हर इंसान की लाइफ में बुरा वक्त जरूर आता है। आप अकेले नहीं है जिसकी लाइफ में बुरा वक्त आया है, आप अकेले नहीं जो इस सिचुएशन में गुजर रहे हैं या आपके ऊपर ये सिचुएशन है। और भी नेगेटिव इवेंट हो रहा है तो आप ये मत सोचें कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ इससे भी बुरा होता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचें कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है। हमेशा सब्र से काम, जब हम बेसब्री का मादा अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं, सब्र को खो देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। हमें ये होता है कि जल्दी से जल्दी हमें चीजें हासिल हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा पानी देते हैं तो वो जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए, लेकिन हम जितना भी पानी दे रहे हैं उसने अपने वक्त पर ही बड़ा होना है। इसलिए कभी भी बेसब्रे मत हो, जिस चीज में होना है उसने अपने वक्त पर ही होना है। इसलिए कभी भी जल्दी मत, अपना जिंदगी को फोर्स कर सकते हैं ना आप चीजों को फोर्स कर सकते हैं कि वो आपकी सोच के मुताबिक हो जाए। हमेशा उसने अपने टाइम पर ही होना है। जहाँ जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है कि अब एक पौधे को पानी दे रहा है आदमी कि वो ग्रो फास्टर हो, यानी कि वो जल्दी से बड़ा हो जाए पौधा। जितना भी पानी उसने दिया पौधा वहीं का वहीं है, क्योंकि उसने अपने वक्त पर ही भरा है। इसलिए कभी भी जल्दी मत करें, उसको उसके वक्त पर होने दें। लास्ट पर मैं यही कहूंगी, यही दुआ है हमारी कि अल्लाह पाक हमें अपने पसंदीदा बंदों में से चुन ले। कभी कभी इंसान जो चाह रहा होता है वैसा इसलिए भी नहीं होता क्योंकि उसको अपनी मनपसंद चीज मिल जाए तो वो दुनिया में गुम हो जाता है। अल्लाह को अपनी याद दिलाने के लिए इंसान की लाइफ में मुश्किलात डालनी होती है, क्योंकि जब इंसान अपने रब को भूल जाता है कोई ना कोई ऐसी चीज तो होनी लाजमी होती है जब अल्लाह पाक उसे अपने होने का एहसास दिलाता है। इसलिए जब आप अल्लाह से दूर हो जाते हो, अल्लाह पाक आपकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई दुख या तकलीफ भेज देता है ताकि आप अल्लाह को याद करो। भी हमें लग रहा होता है कि बहुत सी चीजें हमारे लिए नेमत है, क्योंकि जब अल्लाह पाक उन्हें हमसे छीन लेता है तो हमें ये लग रहा होता है कि जैसे हमारी दुनिया खत्म होगी, हम अल्लाह पाक से शिर्क पे गिले करने लग जाते हैं। लेकिन अगर उस आजमाइश पर हम सब्र कर लें तो शायद हमें उससे बेहतर मिले, क्योंकि अल्लाह पाक सिर्फ उसी चीज को लेता है जो हमारे लिए जहमत होती है। वो हमें चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना लगती हो, हमेशा इस बारे में सोचो कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए कोई ना कोई बेहतरी सोची होगी, मेरे लिए आसानी का मामला बनाया होगा। तो हमेशा मुश्किल वक्त में सब्र से काम लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं उस पर शुक्र अदा करें। आज का मेरा लेक्चर इसी दुआ के साथ खत्म होता है कि अल्लाह पाक हमें और आप सबको सब्र करने की तौफीक अता। मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहें, पेशेंस को अपनी लाइफ में ऐड कर लें, अपना सोचें, अपनी फैमिली का सोचें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।